नीड ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, तो हमें मैनेजमेंट ऑडिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहला है कि करंट प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट और ओवरकम करने के लिए हमें मैनेजमेंट ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है। एलिंग या फिर सिक इंडस्ट्रीज़ की हेल्प करने के लिए पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन को उसकी डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव या अकम्प्लिश करने में मदद करती है। ये PSU की जो मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करने में मदद करती है मैनेजमेंट ऑडिट। तो यानी यहाँ पे हमने इसके चार नीड्स देखे हमने। अब इनको याद करने का तरीका भी देख लो कि बजाज की सेल्स गिरती चली जा रही थी, इसलिए बजाज ने हमें करंट प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करके ओवरकम करने के लिए बुलाया। उसने बोला कि हमने सुना है कि आप लोग PSU की मैनेजमेंट को इम्प्रूव करते हैं, आप हमारी भी मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर दो। हमने बोला कि आप सही समय पर आ गए, नहीं तो थोड़े समय बाद हमें एलिंग इंडस्ट्रीज़ की हेल्प करने के लिए बुलाया जाता। बजाज ने बोला कि आप जल्दी से हमारी डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी मदद करो, यानी हमें असिस्ट करो। तो यहाँ पे देखो, पहला कि करंट प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट और ओवरकम करने में हेल्प करता है, फिर PSU मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, फिर एलिंग इंडस्ट्रीज़ की हेल्प करने में मदद करता है, और कंपनी को उसकी डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने में हेल्प करता है।